ये देखिए कितना सुंदर बनी है, ये देखिए कितना सुंदर बनी है, एकदम आराम से बढ़िया से लेके वो निकल चुकी है। बस अभी उसे काटना है और काट के तेल में थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेना है। बाबा बोल ना जना हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं एक मजेदार रेसिपी, मजेदार नाश्ता, जब फटाफट बनने वाला नाश्ता आलू टिक्की। तो इसके लिए मैं क्या क्या लिया हूँ चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को, पहले फिर बनाते हैं। बस हमने नाश्ता बनाने के लिए जो आलू टिक्की बनाएंगे इसके लिए क्या क्या मैंने हमने लिया है, देखिए ये रहा धनिया का पत्ता, ये आलू कच्चा आलू, ये गाजर, ये प्याज, ये कड़ी पत्ता और एक शिमला मिर्ची। बस इसे लेके आज बनाएंगे आलू टिक्की। तो देखते हैं फटाफट बनने वाला नाश्ता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा ब्लॉग में ऐसे ही अच्छा अच्छा नाश्ता अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये आलू और गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर प्याज और कैप्सिकम काटेंगे। बस हमने ये आलू और गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है, देखिए कितना बारीकी से हमने किया है, एकदम छोटा छोटा, ये भी देखिए एकदम मस्त बने। चलिए अब काट लेते हैं प्याज और कैप्सिकम और धनिया का पत्ता। जो वो आलू टिक्की जामुन खाए नहीं आएंगे। ये देखिए आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है। ये कद्दूकस किया हुआ आलू, उसको मैंने पानी में थोड़ा भिगा दिया है, नहीं तो ये काला पड़ जाता। तो ये रहा गाजर, गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये प्याज, प्याज को मैंने छोटा छोटा पीस करके काट लिया है, चॉप कर लिया है, एकदम चॉप करके काटा है। तो ये रहा धनिया का पत्ता, ये कड़ी पत्ता और ये कैप्सिकम। चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले सूजी को पानी में भिगा लेते हैं। ये रहा सूजी, सूजी को पहले पानी में डाल देते हैं और 2-3 मिनट के लिए, फिर ये देखिए सूजी को हमने पानी में भिगा दिया है। ये देखिए बस इसमें डाल दिए हैं बेसन, ये देखिए इसे एकदम हल्का हल्का चला चला के इसे मिलाना है, इस तरह का जैसे कि कोई गुठली नहीं बनेगा।
क्या होता है कि कभी कभी जो बेसन डालने के टाइम वो बेसन एकदम गुटली गुटली बन जाता है, तो इसलिए हल्का हल्का चलाना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के। तो हमने एक बार में डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसे मिलाने में। सबसे पहले आलू मिलाते हैं, पहले आलू को मिला लेते हैं अच्छे से तरीके से, फिर और सब सामान, ये वाला सब सामान बाद में मिलाएंगे। आप भी जो बनाओगे ना पहले आलू मिलाना, क्योंकि आलू का जो स्टफिंग होता है ना वो थोड़ा अच्छा तरीके से बनाना मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले पकना चाहिए, नहीं तो वो कच्चा कच्चा रहेगा। फिर मिलाते हैं गाजर, बस डाल देते हैं प्याज और सारा सामान डाल देते हैं, फिर मिला देते हैं मेरा कैप्सिकम, सारा सामान डाल दो, ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसलिए डाले कि थोड़ा फ्लेवर के लिए, एकदम मस्त बनता है उसका जो फ्लेवर होता है ना कड़ी पत्ता का, एकदम बढ़िया फ्लेवर, तो इसलिए कड़ी पत्ता डाला। बस ये सारे सामान को मिला लीजिए, ये देखिए गरम मसाला डाल दी, साथ में नमक डाली और हल्दी, बस हल्दी डाल दी, बस उसे मिला लेते हैं। इसे एकदम मीडियम फ्लेम में बनाना है, क्योंकि इसमें जो आलू और कैप्सिकम वगैरह डाला है हमने, इसे थोड़ा पक जाना चाहिए, तो इसलिए उसे चलाते रहना है, और जब तक इसमें जो जितना भी पानी है, जितना भी नमी है तो सूख ना जाए, तो तब तक चलाना है। अभी निकाल लेते हैं एक प्लेट में, बस ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं 2-4 मिनट। ये देखिए हमारा जो टिक्की बनाने के लिए सुंदर बनी है, बस इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर बना। ये देखिए इसमें जब हम डालेंगे ना, इसलिए ये एकदम सेट ना हो जाए, इसलिए इसमें हम तेल डाल दिए, तेल थोड़ा इसे लगा लिए हमने तेल, तो फिर इसे डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखिए फाइनल हमने बना लिया है, इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देते हैं, क्योंकि बहुत गर्म है, तो ठंडा होने के लिए फ्रिज में डाल देते हैं पहले। फिलहाल 15 मिनट हो चुकी है, मैंने डीप फ्रिज में डाल दिया था, चलिए अब निकाल लेते हैं। अगर आपके पास डीप फ्रिज नहीं होगा तो आप आधा घंटा के लिए छोड़ सकते हो बाहर, तो ये हो जाएगा। ये देखिए हमने बस प्लेट में उसे पलटा लिया है और इसे धीरे धीरे करके निकाल लेंगे, वो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसका अंदर हमने थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया था, बस देखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बनी है, ये देखिए कितना सुंदर बनी है, एकदम आराम से बढ़िया से लेके वो निकल चुकी है। बस अभी उसे काटना है और काट के तेल में थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेना है, बस उसके बाद बन जाएगा, खाएंगे। ये देखिए इसे हमने काट लिया है, एकदम पीस पीस करके काट लिया है, दिखाता हूँ आप लोगों को एक निकाल के। ये देखिए कितना सुंदर शेप है, ये देखिए एकदम बढ़िया से कटिए, बस इसे फ्राई करना है तेल में, चलिए फ्राई कर लेते हैं तेल में। बस तावा में फ्राई कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लीजिएगा, बस ज़्यादा तेल में ये ऐसे छनना नहीं है, बस थोड़ा फ्राई कर लेना, थोड़ा दिन जैसे कि क्रंची थोड़ा बने।
फाइनली हमारा आलू टिक्की बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर बनी है, एकदम नरम नरम, एकदम क्रिस्पी भी बनी है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी भी बनी है, दिखाता हूँ आप लोगों को, एकदम मस्त बनी है। ये देखिए भाभी ने आज मस्त रेसिपी बनाया है, दिखाता हूँ आप लोगों को कितना सुंदर बनी है हमारा आलू टिक्की। भाभी ने आज आलू टिक्की बनाया है, साथ में चटनी और टमाटर सॉस खाएंगे, तो मस्त। फाइनली हमारा आलू टिक्की बन के रेडी हो चुकी है, चलिए खाते हैं, सारे लोग मिलके खाएंगे। और बढ़िया नाश्ता बनी है आज, देखिए एकदम मस्त नाश्ता खाएंगे सारे लोग, चलिए खाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे ही अच्छा अच्छा रेसिपी मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं खाना, तो सारे परिवार मिलके खाएंगे, इसलिए हमारा घर में थोड़ा ज्यादा बनती है, तो चलिए खाना शुरू करते हैं। भल लगे ना, दबा भल लगे ना, फाइनली शाम का नाश्ता तो हो चुकी है, आलू टिक्की साथ में चटनी मस्त बनी थी, और आप लोग भी घर में जरूर ट्राई करना, एकदम मस्त बनेगा खाना और एंजॉय करना। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।